टीचरों द्वारा बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जब टीचरों द्वारा ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो टीचरों द्वारा मीडिया को धमका दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोकनगर जिले के ग्राम अखाई घाट की, जहाँ पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय जहाँ के टीचर जसराम सिंह यादव जी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी का नाम तक पता नहीं है, वहाँ के दूसरे टीचर विनय रघुवंशी द्वारा स्कूल के बाहर हमारी मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया। चौथा पांचवा स्तंभ क्या होता है, मीडिया कर्मियों को धमकी दी गई। फोटो के लिए गए विनय रघुवंशी द्वारा कहा गया कि मैं देख लूंगा। मेरे पास आखिरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक होगी, ये बड़ा सवाल है। मैं नीतीश यादव, खबर गति चैनल से। आज हम अशोकनगर जिले में अखाई घाट शासकीय प्राथमिक विद्यालय पर खड़े हुए हैं। हम सर से जानने की, पहले उनका नाम जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आप अपने परिचय दें पहले तो। जी, मेरा नाम जसराम सिंह यादव जी, प्राथमिक विद्यालय अखाई घाट प्रभारी प्रधान सर। तो सर, आपके टोटल बच्चे कितने हैं इस स्कूल में? 61। तो अभी मौजूद कितने आए थे? 30। तो सर, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आपका लंच कितने टाइम में होता है? 1:30। 1:30 अभी आपने 1:15 का बोला था। 1:30। 1:30 का, तो कितने टाइम तक लंच चलना चाहिए? 2:00। 2:00 तक। तो अभी बच्चे, दो बच्चों के हैं, बच्चे क्यों नहीं आए अभी के? 2:00 कब हो जाए? तो सर, आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि आपके जो बच्चे हैं उनको जनरल नॉलेज की अधिकतर जानकारी है या नहीं है? प्राइमरी के स्तर से तो है, जिस स्तर के अनुसार है। मतलब आपके कहना है कि बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। तो सर, मैं आपके जिला अधिकारी हैं जो आपके शिक्षा विभाग के DO साहब, उनका आप नाम बता सकते हैं? उनका नाम आप देख सकते हैं, मिश्रा जी। ठीक है सर, आप देख सकते हैं, एक तरीके से बच्चों का भविष्य टीचरों के हाथों में होना चाहिए, लेकिन टीचरों को ही खुद पता नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी जिनको DO बोला जाता है, उनका खुद पता नहीं है, लेकिन बच्चों को क्या जनरल नॉलेज देंगे? सवाल तो प्रशासन से ही बनता है सर। ठीक है, आपके सर, आप मुझे बता दो, आपके शिक्षा मंत्री जी हैं जो कि रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, तो शिक्षा मंत्री जी का नाम क्या है? पवार है। नहीं, पूरा नाम बताओ सर। सरनेम इंद्र, क्या नाम है? ठीक है सर, परमार जी है, थोड़ा आपने बता दिया। सर, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपके जो गृह मंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं, तो उनका नाम क्या है सर? मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा जी। प्राची बेटा, आपने जो राष्ट्रीय पक्षी का नाम पता है आपको? जो राष्ट्रीय पक्षी है अपने, पता है आपको राष्ट्रीय पक्षी का बेटा नाम क्या है आपका? बिक्की। तो अपने जो राष्ट्रीय पक्षी है, आपको सरद्वार बताया जाता है? आपको सरद्वार बताया जाता है? नहीं बताओ जी। नहीं बताया जाता? नहीं बताया। ठीक है, प्राइवेट के स्तर से नहीं बताते। ठीक है, और आपके जो शिक्षा मंत्री हैं, तो उनका सर ने बताया क्या नाम है? बेटा आपने प्रधानमंत्री का नाम पता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, बेटा कौन का तो है? चलो चलो क्या? हाँ बोलो, आने चलो चलो। बेटा किसी को प्रधानमंत्री का नाम पता है आपको, किसी को? आप देख सकते हैं, अभी हमको सर द्वारा बताया गया था यादव जी द्वारा कि हमारे बच्चों से आप बात करिए कि हर बच्चों को नॉलेज है जो मतलब शिक्षा के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन सर द्वारा हमसे कहा गया कि लिखित का लेटर लाओ। और आप देख सकते हैं बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे हमारा भविष्य होते हैं। किसी स्कूल से निकल के कोई अधिकारी बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई शिक्षक बनता है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब?